हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के घर और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमारी ननद के जहाँ शादी होती है उनके बेटे की, तो क्या क्या लेकर जाते हैं। तो हमें जाना है शादी पर, तो वहाँ पर जो जो भी सामान बनता है लेकर जाना ननद के लिए और लड़के के लिए, और नवी दुल्हन के लिए क्या क्या बनाया है वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, और जो नए मुझसे जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हेल्प करिएगा। और जो लोग अन लाइक करते हैं ना, वो करते रहें, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो भी मेरी वीडियो देखते हैं, इसमें मेरा ही फ़ायदा होता है क्योंकि हमें व्यूज़ मिलता है। तो जो अनसब्सक्राइब चैनल करते हैं उन्हें बेनती है कि मैं तो हेल्प करती हूँ, आप भी करते हैं, मगर आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ वो ना करें, क्योंकि हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना मतलब निकाल कर ऐसा मत करिए, अच्छी बात नहीं है ये। और चलिए, मैं जब वहाँ पर जाऊँगी तो मैं आपको अपनी जेठानी से मिलवाऊँगी और सब कुछ वो सामान दिखाऊँगी जो जो बनाया है। मिलते हैं वहाँ। राजी रहो तुसी, है कि ना पालन वाले 1000 रुपया रख देना मैं। चलो बढ़िया, तो बाकी हो देख लो भाई, तुसी आ सियाणे आ, जे कोई होर चीज है बिच पांदे हो सानू दस दो। मैं YouTube च पाणी इन्नी क, चल तुड़ेल कर लिया मुंह परे नु ना करती मेरी फिल्म खराब। शुरुआत में मैंने पत्तियों का इफेक्ट लाने के लिए हर कोशिश की, पर अल्टीमेटली सबसे बेस्ट तरीका यही लगा, इसे थोड़ा दबाना पड़ेगा। और अब एक फाइनल एलिमेंट जो केक के निचले हिस्से के चारों तरफ आएगा। अब मैं चॉकलेट की मिट्टी बना रही हूँ, इसमें यूज होगी रेगुलर सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स और थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट, जिन्हें पीसने पर ये फर्टिलाइजर जैसी लगेंगी। ऐसी मिट्टी खाने में मजा आएगा ना। अब वक्त आ गया है केक के बेस को बनाने का। ये एक बोर्ड है और ये मेरे केक की जान है, ये डॉवल्स केक के बेस को पकड़ कर रखेंगे और ये वाले दूसरी मंजिल को सपोर्ट करेंगे। अब मैं नीचे के केक को रखना शुरू करती हूँ, फिर नीचे के हिस्से को डेकोरेट करूंगी। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, कॉर्न कॉब और यही आएंगे ये टमेटो। ये वो टियर है जो दो फ्लावर पॉट्स और रूस्टर को सपोर्ट करेगा और इसके ऊपर ज्यादा वेट आने वाला है, इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर मोटे चावल डाले हुए हैं। उम्मीद है कि ये काम करेगा। काम नहीं कर सकते मैं, बाकी का काम नहीं कर सकती, कार में ले जाने में दिक्कत होगी। ऑलराइट, चला जाए। हनिंगटन बीच कैलिफोर्निया के स्वीट जेम्स में पेस्ट्री शेफ क्रिस चन एक 4 मंजिला एंगेजमेंट केक बना रही हैं। केक बन चुका है, पर उन्हें केक पूरा करने के लिए अभी सजाने की चीजें बनानी हैं, जिसमें फ्लावर्स, फूड आइटम्स और वाइन बॉटल्स हैं। तो सबसे पहले फ्लावर पेटल्स बनाते हैं। सबसे पहले ट्यूलिप को केक के ऊपर लगाया जाएगा। एक गम पेस्ट के गोले को बेला जाता है। अब मैं इससे पेटल्स बना लेती हूँ और इन्हें प्लास्टिक के नीचे रखूंगी ताकि ये सूख ना जाए। ट्यूलिप पेटल्स कटने के बाद इसमें फ्लोरल वायर जोड़ी जाती है गम ग्लू से, गम एरोबिक और पानी का मिक्सचर। ओके, थोड़ा सा गम पेस्ट लीजिए, इसे फिर गम ग्लू में डिप कीजिए, फिर ग्लू वायर से इसे जोड़िए।
ठीक है। बस अब चुप रहना। आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं ताकि मैं आपके बाल काट सकूं। माफ कीजिएगा, मैं इसे समझा रहा था। ये बताओ तुम्हें किस तरह का हेयरकट चाहिए? ये कौन सा हेयरकट है? अरे कोई भी हेयरकट अच्छा रहेगा, बस ये देख लीजिएगा कि कटिंग ठीक से होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे हीरो वाली कटिंग ही चाहिए, वैसी कटिंग कहीं नहीं होती। दीदी क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? क्या? मुझे बहुत पसंद है। और गाजर भी पसंद है? हाँ। तो गाइस मेरा जो सारा घर का काम हो चुका है और मैं तैयारी कर रही हूँ, शाम की जाना है हमने कहीं, तो वो ही सामान था, मैं सब देख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपना सामान। मैं ज़्यादा हाई फाई सामान नहीं बरतती हूँ, जो मेकअप का होता है बस यही सिंपल सा है। ये लैक्मी का फाउंडेशन है, ये सेटिंग स्प्रे है, ये हुंडा ब्यूटी का प्राइमर है, ये बीबी क्रीम है, बस यही सिंपल सा है। ना ही मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं बरतती हूँ। और ये देखिए मैं सब ये चीज़ें इन डब्बों में रख देती हूँ क्योंकि फिर ये ख़राब नहीं होते। ये मेरी लिपस्टिकें हैं जो मैंने, ये 12 पीस थे जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, बहुत ही अच्छे हैं ये। सर्दियों में, सर्दी के लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे। और ये है कंटूर, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो
जो मैं शाम को जाने वाली हूँ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जा रहे हैं नानका मेल, नानका मेल क्या होता है ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को मैं जहाँ पर ही एंड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।